हाँ यार पता है इसका भी। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग आए, आप सारे अच्छे होंगे। तो भी अभी क्यान को मैंने रेडी कर दिया है, मेरी तो रोज की ड्यूटी लगी है अभी क्यान को रेडी करने की। वो अब स्कूल जाने के लिए भेज रहा हूँ उसे, रेडी कर दिया है। अब क्यान रेडी हो गया है, अब स्कूल जाएगा। क्यान टाई कहाँ है आपकी, टाई कहाँ है इसकी? आज टाई नहीं लगाएगा क्यान, ठीक है भाई? हाँ हाँ तो ले लो ना आप अपनी। सुबह सुबह ना नेगेटिविटी से आ रही है, कोई काम आ नहीं रहा है शूट का। तो मेरा मेन तो फोकस होता है एक्टिंग पे, और उसी का कुछ काम नहीं आ रहा है आजकल ना। 2-3 महीने हो गए, तो बड़ा बुरा हाल सा हो रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है सही बात बताऊँ तो। मुझे ना काम की भूख है, काम, एक्टिंग का काम। अब पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। ऑडिशन तो भाई रोजाना भेज रहा हूँ। हमारी लाइट, हमारी लाइट खराब होगी तो आज इसे बुलाया, अब टिंकू ठीक करके जा रहा है। फ्री में थोड़ी ना पैसे लेगा टिंकू। है टिंकू कितने रुपए लेगा? दे दे। अरे गुस्सा हो रहा है क्या? दे छोड़ दे, उतार दे, चलो अब। क्यों गुस्सा हो रहा है यार, क्या हुआ ये बता? मास्क दे मुझे, दे दे। क्या हम गुस्सा हो रहा है आज? टाइम से ही से लेने गया हूँ नीचे, और फिर भी ये गुस्सा हो रहा है। ये पराठा किसने खाया था? सारा फिनिश कर दिए तुमने, सफाई वाले ने तो नहीं खाया आज। खोला किसने तो टिफिन? किसने खोल के दिया? मैम ने। क्या हम बता था ये खोलना? अचार के साथ। अरे भाई क्या मिस कर देते? तो वह क्या आ गया है स्कूल से, और अभी उसकी ड्रेस व्रेस मैंने निकाली है। तो बता रहा है कि पापा आज ना मेरा वो लंच खा लिया किसी और ने, मतलब कोई वहाँ सफाई वाली आती है उसने खा लिया। तो मैंने बोला बेटा उसे मना कर देना कल जाके। तो कह रहे ठीक है मैं मना कर दूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर का कुछ सामान लेने बाहर, और अनिल को फ़ोन किया है मैंने अभी, मैं कि कहाँ है? वो कह रहा भाई मैं तो शाम को ड्यूटी जाऊँगा, तो मैं बाब मैं अकेले ही जाता हूँ क्या करूँ। है काफ़ी दूर है जहाँ से सामान लेके आना है ना, है यहाँ से 10-12 किलोमीटर भोंडसी से लेके आना है मुझे। वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी फेमस चीज़ें खाने की मिलती हैं, तो लेके आता हूँ। दिखा देता हूँ जहाँ मैं स्टूडियो बना रहा हूँ ना, वो एरिया दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो यार, जो मुझे अपना स्टूडियो बनाना है ना, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऐसे बनाना है, मतलब 20x40 का बनाना है। और अभी जिस ठेकेदार को मैंने बोला था, वो ठेकेदार अभी कहीं और लग गया, तो ये ऐसे ही पड़ा है भाई, मामला सब ऐसे ही है। बाहर मैंने इसके बाहर ईंट डलवा रखी है उसके लिए, तो अब देखो कब बनता है कब नहीं बनता है। तो जो मेरा स्टूडियो होगा ना यहाँ पे, उसका बाहर की तरफ उसकी एंट्री होगी, बाहर से होगी, बस अंदर एक छोटा सा लगा दूंगा गेट। यहाँ ना 15-20 दिन पहले अमरूद के और संतरे के पेड़ थे, काफ़ी बड़े बड़े थे। इस पेड़ से भी बड़े थे, ये जो ये आम का पेड़ है इससे तो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो वो कटवा दिए इसी के चक्कर में, स्टूडियो के चक्कर में सारे। अब वो हमारा ठेकेदार ही भाग गया, तो पूरी दीवार टूटेगी अब तब है। तो वो आएगा, वो कहीं काम कर रहा है, कह रहा भाई 4-5 दिन और लगेंगे, उसी पे करवाना है। अब जा रहा हूँ, अनिल को लूँगा रास्ते में से, फिर चलते हैं। तो भाई अनिल को मैंने बैठा लिया है गाड़ी में, हम और कहीं ना जा रहे, मुझे लेके आना है अचार 2-3 तरह का। तो वो मिलेगा मुझे बॉन्सी में, बॉन्सी में आवे है कहीं तो पता ना कौन है कौन ना। उसने एक हवेली में दुकान खोल रखी भाई, 3-4 साल पहले हम शूटिंग के लिए गए थे वहाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ का अचार, तो वहीं से लाता हूँ जब भी ख़त्म हो जाता है ना। देखिए कैमरा में कितने अच्छे आ रहे हैं ये बादल, बड़े प्यारे लग रहा है भाई। तो जितने फटे फटे से बादल रहेंगे उतने अच्छे दिखेंगे। देख इधर देख, इधर भी भाई, ये बॉम्बे हाईवे निकला है अब सीधा सीधा 12 घंटे मुंबई। अगर जिसे ट्रेन में जाना है वो ट्रेन में जा सकता है, जिसे फ्लाइट पे जाना है फ्लाइट में, जो बाय रोड जाना चाह रहा है 12-14 घंटे में सीधा मुंबई। गाँव के अंदर आ गए, यहाँ से अचार लेंगे।
पंडित जी है एक, यहाँ दादा चुन्नी लाल, इस हवेली में देते हैं। ये डेयरी खोल रखी है इन्होंने, छोटी सी दुकान है वैसे, यहाँ हर तरह का आपको टेट मिलेगा। ये इन्होंने मशरूम का भी बना रखा है इसमें। अब मैं ले रहा हूँ ये चार, मशरूम का, लहसुन का, मिर्च और ये है आम का। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? एट्थ में। आपकी बार एट्थ में हुआ है? नहीं, अब नाइन्थ में जाऊंगा अप्रैल में, अभी तो एट्थ में। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। तो भाई यहाँ से हमने अचार ले लिया, यहाँ का अचार ना काफी अच्छा लगता है मुझे, तो अब एक साथ तीन चार पैकेट ले लिए। आज जैसे मिल रहे ना भैया वैसे मिलना, बड़े होके भी यही। ठीक है, डन। 500 के हो गए किसके? हाँ यार पता है इसको भी। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाद में फिर आना। ठीक है, बाय बाय, डन डन। पढ़ाई भी करना। हाँ, करेंगे। बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय। ले भाई, आज तीसरी बार मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं। सब्सक्राइबर नहीं, आज पहली बार सब्सक्राइबर मिले। पहले तो मुझे वैसे मिले थे जो जानकार है वो भाई, तो जो फेस से जानते थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सही बताऊं तो। इन्होंने ये भी बता दिया कि कितने मेरे सब्सक्राइबर है, कितने नहीं है, और ये भी बता दिया पहले कौन सी गाड़ी थी। वाह वाह, दिल खुश कर दिया लॉन्डो ने। किसी भाई को अगर यहाँ से अचार चाहिए तो ले जा सकते हो, बहुत अच्छा अचार बनाते हैं। मैंने आपको बोर्ड वगैरह दिखा भी दिया है इसमें, तो आप कभी भी कॉन्टेक्ट करके ले जा सकते हो, क्योंकि इन्हें खुद ही बनाते हैं। और सच्ची में मैं दो तीन साल से लेके जा रहा हूँ, दो साल से जब मैं यहाँ शूटिंग करने के लिए आया था, हुमा कुरैशी की एक वो थी वेब सीरीज, तो वो शूट करने के लिए मैं आया था यहाँ, तो तब ये इनके यहाँ मैंने थोड़ा सा खा के देखा था। तो सच्ची में बहुत अच्छा है, ट्राई करना कभी लेके यहाँ से। कोई बेकार ऑयल ये डालते नहीं है, सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल ये यूज करते हैं इसमें। और सबसे पहली बात, ये घर पे बनाते खुद ही और डब्बे में पैक करके बेचते हैं। डब्बा भी वो नहीं, प्लास्टिक का कांच का डब्बा है, जिससे कोई खराबी नहीं होती। अनिल ने एक फ्लैट इसमें ले रखा है, तो वे अनिल को उतार दिया उसकी कोठी पे। वो लेट हो रहा था अपने घर आने के लिए, वो इस टाइम जाता है अपने जिम पे, तो कह रहे यार लेट कर दिया तूने। अनिल ये जा रहा है भाई। अब मेरे भाई गिनती के दो चार दोस्त है, उनमें से एक ये है। तो भाई ये पेंटिंग मैंने यहाँ लगा दी इस कोने में, अच्छी लग रही है। इधर ये लगी है और इधर ये। ड्रेस क्यों नहीं उतारी ये बता, ड्रेस क्यों नहीं उतारी? कल स्कूल जाना है नहीं जाना? दिखा दू नंगा पड़ा है, दिखा दू सबको कि नंगा है क्या। तो भाई आज तो मेरी रेल सी बन रही है, क्योंकि क्यान की मैडम ने क्यान को बोला है, उसकी डायरी में लिखा हुआ है कि भाई कल सैटरडे है और उसको लेके आनी है गिटार। म्यूजिक टीचर है कोई उसकी, तो उन्होंने बोला है भाई गिटार लेके आना है। अभी छोटा सा बच्चा ये कहाँ गिटार बजा लेगा, पर भाई अब चाहिए। अब जा रहा हूँ हुडा मार्केट, हुडा मार्केट मिल गया तो ले आऊंगा। गिटार है छोटे बच्चे का अंकल जी, गिटार है अभी ये मिल रहा है, ये वाला ना छोटा। एक किलो सेब दे दे और एक एक दर्जन केला दे दे। ठीक है सर। सेब है? सेब, केले। सेब का सही रेट नहीं लगाया बेटा ने, बढ़िया 200 रुपया किलो बेच रहा है। जूस वाले है? हाँ जूस वाले। चल ठीक है। जाम लग गया भाई, थोड़ी सी देर में देखना। तो भाई क्यान का गिटार तो मिला नहीं, मैं अपनी दवाई ले आया और कुछ फ्रूट्स ले लिए। पता नहीं वैसे स्कूल में अभी छोटा सा बच्चा है ये, इसके लिए गिटार चाहिए भाई। अब यहाँ मिलाना, अब गुड़गांव जाना पड़ेगा। छोटा सा गिटार था यहाँ तो, वो ना बजने में आता ना कुछ, प्लास्टिक का सा। भाई हमारी ईंट तो आप लोगों को आते जाते रोज दिखती ही होगी, तो ये अपने स्टूडियो के लिए मंगा रखी है मैंने। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।